गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी आज बनती हुई देखना किस तरह से ट्रेडी स्टडी बनने वाली है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम लर्निंग पर्पज के लिए देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या है, ग्लोबल न्यूज़ क्या है, उसको वन बाय वन करके हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, रेगुलर चार्ट अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दो कंसर्न मेरा रहता है, मैं उसको आपके साथ इस चार्ट में भी शेयर किया था। चार्ट वन और टू को आपको देखना था और कंपेयर करना था। अगर आपने देखा होगा, कंपेयर किया होगा, डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। और डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है, माइनर पॉजिटिव है, साथ में जो कॉमेक्स है वो भी पॉजिटिव चलता हुआ जा रहा है, सिल्वर का कॉमेक्स, और गोल्ड भी माइनर पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा सा यहाँ कंसर्न बना हुआ है। जब तक एक डायरेक्शन में रहता है तो थोड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मूव के लिए प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 105.9 या फिर 106 से लेके 109.5, ये लेवल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जिसको इसने प्रीवियस डे में भी हिट किया था, बट फाइनली इसलिए क्लोजिंग थोड़ी डाउन साइड हुई। लेकिन अभी जो ओवरऑल कंडीशन बन रही है, जो ग्लोबल न्यूज़ है, उसके विषय में आज मिस्टर पावल का स्पीच भी है सेकेंड हाफ में, और साथ में जो यूरोपियन बैंक है उन्होंने भी रेट कट के लिए फर्दर नेक्स्ट कटिंग के लिए अभी होल्ड किया है कि वो वॉच कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे कहीं कुछ पॉजिटिव होप मिलता है तो डेफिनेटली डॉलर को ही पुश मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट तो एज इट इज़ है, थोड़ा डाउनग्रेड है, बट अगर अभी रेट कट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकता है डॉलर को। और वो डॉलर का समराइज वे इंडेक्स रहता तो यहाँ पे भी आपको एक थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए 105.9 और 106 इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए आज की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नीचे की अगर निकलता है तो जो इसने बेस बनाया है 105.8 सबसे पहले और स्ट्रांग बेस इसके लिए यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड एज कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ा सा स्टडी मूव कर रहा है, बट उतना स्ट्रांग बनता हुआ नहीं दिख रहा। 2346 का जो लेवल है, 2346 से लेकर 2350 तक का लेवल, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और एज इट इज वो वर्क करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल के लिए जो इसकी रैली यहाँ पे बनी हुई थी, कुछ गिरावट देखने को मिली थी, इसने थोड़ा पुल बैक लिया है और दोबारा से स्टडी मूव करा है। तो इस वीक में काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट, जो इस वजह से आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके विद इन रिस्क आपको ट्रेडिंग प्लान करना होगा। अदरवाइज आपको कंडीशन क्लियर बनती हुई या नहीं दिख रही है कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन रहा है। सिमिलर अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड ने एक डाउन साइड का मूव दिखाया था और एक जो 71,500 है इसके आसपास आया और दोबारा स्टडी मूव कर रहा है। अब ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इसने ऑलरेडी 71,700 या फिर 800 से लेके डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो 71,600। अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका इंपैक्ट इतना देखने को मिला। तो जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं वो डिपेंड करता है, अगर आवर्ली में देख रहे हैं तो आवर्ली का पैटर्न आवर्ली में वर्क करता है, एक से दो कैंडल में उसका फॉलोअप आता है। अब यहाँ सिल्वर के कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर कॉमेक्स एक अच्छे लेवल पे रिएक्ट करता हुआ जुलाई की जो ट्रेडिंग हुई है पूरे दिन की, अच्छा वेल से बनाया है, अब दोबारा से एक स्टडी मूव कर रहा है। ये मार्केट वेट कर रहा है कुछ इनपुट का, वो इनपुट आपको जो इकोनॉमिक डेटा है या फिर US की जो न्यूज़ है उससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तब तक इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम के चांसेस नहीं है, तो आपको शाम का इवनिंग का जो टाइम है 6 से लेके 8 बजे तक का मूवमेंट आपको वॉच करना पड़ेगा। 6 से 8 का मूव क्या होने वाला है उसके ऊपर ही मार्केट के ट्रेंड डिसाइड करने वाला है। अगर उससे पहले आपको ट्रेंड देखना है तो आप कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा देखना कि जो हायर हाई कर रहा है या लोअर लो कर रहा है, फिर उसी डायरेक्शन में जैसे स्पीच आनी स्टार्ट होगी वो आपको देखने को मिल सकता है, जो 7 से 8 बजे के आसपास रहेगी। और इवनिंग की वीडियो में हम कवर करेंगे क्या सेंटीमेंट्स वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो है एक स्टडी मूव है, ये इंपॉर्टेंट है फर्दर डिसाइड करने के लिए। 4 आवर में भी अगर आप देखोगे तो 4 आवर में भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम बनते हुए आज के लिए नहीं देखने को मिल रहे हैं। मार्केट हायर साइड लोअर साइड कर रहा है, नीचे 29.6 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद में 29.4 और फिर 29.3, ये सारे सपोर्ट्स लेवल्स के लिए बने हुए हैं। हायर साइड में एज इट इज इसके लिए निकलता है तो फिर 30 के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो बेटर हो सकता है, एक रेजिस्टेंस फेस करे। अब सिल्वर कॉमिक्स के बाद में सिल्वर हम MCX की बात कर लेते हैं, जो कि लगातार ट्रेड कर रहा है, एक दो ट्रेंड इसमें बना हुआ फ्रेंड्स। एक है कि स्टडी मूव कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, दूसरा है मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बना हुआ। तो इन दोनों के बीच में आपको जब भी ट्रेडिंग का प्लान करना है आपको इतना मान के चलना होगा कि मैक्सिमम आपको एक दिन में 500-700 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम फिलहाल अभी सिल्वर
करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा जब तक इसको कुछ न्यूज़ इनपुट नहीं मिलने वाला, क्योंकि लगातार डेटा आने वाले हैं। आज ट्यूसडे को भी आएगा, फिर वेंसडे को आएगा, उसके बाद फ्राइडे को डेटा आएगा, तो उन सारे न्यूज़ इम्पैक्ट को ये काफ़ी हैम्पर कर रहा है और साइकोलॉजिकली लोगों का न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एक माइनर ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक ट्रेंड यहाँ भी ये बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तो दो ट्रेंड इसमें चलते हुए जा रहे हैं। अगर ये दोबारा से जो ट्रेंड सपोर्ट लाइन बनी हुई है 89,500-89,600 इसके नीचे निकलता है तो हम दोबारा से एक होप लेके चलेंगे जो कल का इसने लो बनाया है एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कि 89,200 से लेके 89,000 तक का लेवल रहेगा। और अगर ये हायर साइड के लिए भी निकलता तो सबसे पहले 90,000, उसके बाद 90,000 के बाद में 97,400-96,000 ये लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और बड़े मूव के लिए सेकेंड हाफ में ही आपको देखने को मिलेगा अगर आपको कुछ बड़े मूव कैप्चर करना है। अब यहाँ पे स्टडी मूव अगर आप देख रहे हैं तो पूरे दिन की ट्रेडिंग जो रही है जुलाई की, ओवरऑल ओपनिंग और क्लोजिंग अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा है। 100-200 पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता इसके लिए मोमेंट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ भी अभी मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट से बना हुआ है, तो आपको ये वॉच करना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छी रैली चलने के बाद में रुका है मार्केट और ये जो रेंज है 89,500 से लेके 90,200 तक की रेंज, ये इसके लिए स्टडी मूव करने के लिए रेडी रहेगी। आज फिलहाल इसी में ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद अगर फर्दर नीचे निकलता है तो ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है, इसको फिलहाल के लिए भी फर्स्ट हाफ में नीचे जाने की चांसेस कम ही देखने को मिलेंगे। एक स्टडी मूव का परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। डेली में अगर आप देख रहे हैं तो डेली में जो 3 दिनों का मूवमेंट है, अगर इस मूवमेंट को आप देखते हैं तो मूवमेंट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है लेकिन ओपनिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, तो इस वजह से आपको अलर्ट लेवल में रहना। आज की ओपनिंग एक रेंज बाउंड रहेगी, उसके बाद में फर्दर ये डिसाइड करने की कोशिश करेगा कि क्या मोमेंटम इसमें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और डेली में भी अगर ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं तो ट्रेंड एक बनाने के बाद में ये बेस क्रिएट कर रहा है, तो ये बेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसने लगभग 88,500 से लेकर 90,000 मतलब 1,500 पॉइंट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है पिछले 4 दिनों की जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमने देखा है, तो फिलहाल के लिए हमें एक अच्छे मूव मिलने वाले हैं लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। आपको मार्केट को वॉच करते रहना है, बिलीव करते रहना है, छोटे अमाउंट के साथ में ट्रेड करते रहना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।